हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, एक और न्यू शानदार क्लिप निकाल के लाया हूँ आप लोगों के लिए। जल्दी से ये क्लिप देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। रोमांचक मुकाबले की उम्मीद, दर्शकों में उत्साह वाह, आमिर खान और दोनों ही पहलवान आमने सामने। देखना दिलचस्प होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। कस्टमरी हैंडशेक, रेफरी की विसिल और ये मैच शुरू। रशिया के पहलवान को पलक झपकते ही मुट्ठी खानी पड़ी। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी नुकसानदेह साबित हो सकता है। मन में कोई मलाल रह गया हो तो एक बार और कोशिश कर। Now the wrestlers are gearing up for the next round. बिल्कुल टॉम, शुरू में मुकाबला जितना आसान लग रहा था उतना आसान ये है नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों ही रेसलर्स एक दूसरे को परखते हुए। शानदार अटैक, उतना ही बढ़िया डिफेंस और ये बहुत ही बेहतरीन मूव, बहुत ही शानदार मूव था ये। समझ में नहीं आया क्या हुआ। और ये एक और अटैक, काउंटर अटैक। इट्स ऑल ओवर। डेविड हैज बिकम गोलायत एंड गोलायत हैज बिकम डेविड हियर। वेल सेड टॉम, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रशिया का पहलवान इतनी जल्दी चित हो जाएगा। दिस इज टॉप क्लास रेसलिंग। दम में तेरे में स्टेट लेवल चैंपियन को आ रहा है तूने। अरे दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से आ रहा है तू। ना अब ना अब रहना होया अब ठीक तरिया घुमावे ना। सियोल ओलंपिक्स के रेसलिंग अरीना में आपका स्वागत है। काफी रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। आ गया, नीचे आ जाओ ना, पकड़ क्या खड़िया रहे। ओलंपिक्स के 72 किलो वर्ग का ये फाइनल मैच रशिया और अमेरिका के पहलवानों के बीच। और दुख की बात यह है कि भारत में कुश्ती इतनी लोकप्रिय होने के बावजूद ओलंपिक्स में भारतीय पहलवानों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। मेडल तो अपने छोरे भी ला सके हैं भाई साहब, पर कोई बढ़ावा दे तब ना, ना पैसे ना फैसिलिटी, किस तरह जीतेंगे मेडल अपने छोरे। फिर मुंह चलाने से कुश्ती जीती जाती ना भाई साहब, तो आप तो कब के मेडल जीत चुके होते। नया है कि तभी मैं सोचूं, कभी अखाड़े में उतर के देख, लंगोट से पहले हवा टाइट हो जाएगी। आपकी लगता है कई बार हुई है भाई साहब हवा टाइट अखाड़ा होता ना तो तेरी कर देता। अखाड़े की क्या जरूरत है। Now the moment we were all waiting for. The stage is all set for a big fight. There is palpable excitement in the air. Both the wrestlers are walking for the fight. बिल्कुल सही कहा आपने टॉम, एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले की उम्मीद, दर्शकों में उत्साह और दोनों ही पहलवान आमने सामने। देखना दिलचस्प होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। कस्टमरी हैंडशेक, रेफरी की विसिल और ये मैच शुरू। रशिया के पहलवान को पलक झपकते ही मुट्ठी खानी पड़ी।
ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी नुकसानदेह साबित हो सकता है। मन में कोई मलाल रह गया हो तो एक बार और कोशिश कर ले। नाउ द रेस्टर्स आर गियरिंग अप फॉर द नेक्स्ट राउंड। बिल्कुल टॉम, शुरू में मुकाबला जितना आसान लग रहा था उतना आसान ये है नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों ही रेसलर्स एक दूसरे को परखते हुए, शानदार अटैक, उतना ही बढ़िया डिफेंस, और ये बहुत ही बेहतरीन मूव, बहुत ही शानदार मूव था ये। समझ में नहीं आया क्या हुआ, और ये एक और अटैक, पर काउंटर अटैक। टॉम, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रशिया का पहलवान इतनी जल्दी चित हो जाएगा। दिस इज टॉप क्लास रेसलिंग। दम में तेरे में, स्टेट लेवल चैंपियन को हराया तूने। अरे दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से आ रहा है तू। यो है हमारे ताऊजी महावीर सिंह फोगाट, बरसों पहले पहलवानी छोड़ चुके हैं पर पहलवानी ने इनको आज तक नहीं छोड़ा। यो देख, सिर्फ बॉडी बनाने से कोई पहलवान नहीं बना जाता। तेरा बेटा पहलवानी जो है ना वो खून में होती है भाई साहब, खून में। यो ले, तू पी लेना, जीता रहे। जब थाली में रोटी ना होगी तो मेडल खाओगा के? कोई ना पूछता तेरी इस पहलवानी को, जो नौकरी मिल रही है चुपचाप कर ले। तुमने पहलवानी क्यों छोड़ी? छोड़ी नहीं भाई, छोड़नी पड़ेगी। पहलवानी मैं शोहरत कमाई, इज्जत कमाई, बस पैसे नहीं कमा पाया, नौकरी कर ली। हर पहलवान अखाड़े में यही सोच के उतरता है कि वो देश के लिए कुछ करेगा, पर देश ही पहलवान के लिए कुछ ना करे तो बेचारा पहलवान के करेगा। आप देश के लिए मेडल नहीं ला पाए, इसमें आपकी गलती थोड़ी ना थी। कब तक इन फोटुओं को देख देख क्या दुखी होते रहोगे? जो मैं करना चाहता था वो बारा बेटा करके दिखावेगा। देश के लिए गोल्ड जीतेगा मारा बेटा, अपना तिरंगा सबसे ऊपर लहरावेगा, देख लेना। तो दोस्तों ये थी आमिर खान की मूवी दंगल और उसके ये कुछ सीन थे, और नो डाउट कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड हिट हुई थी, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसने बिजनेस किया था, और ये मूवी डिज़र्व करती है। इस मूवी में आमिर खान की डेडिकेशन आप देखें, ये जो रेसलिंग वाले सीन है ये इन्होंने बाद में शूट किए थे जब ये दोबारा से इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था, पतला किया था वापस, वरना तो मूवी में जो शुरू में सीन्स हैं जिसमें ये मोटे नज़र आते हैं उसके अंदर ये सीन जो हैं
इन्होंने करने के लिए अपने आप को मोटा करा पहले, जब मोटा कर लिया उसके बाद जब ये वाले सीन्स की बारी आई तो अपने आप को वापस पतला किया, दोबारा से वैसी बॉडी बनाई, 6-8 पैक्स तक बनाए। तो ये डेडिकेशन आमिर खान की, भाई आमिर खान ही कर सकता है। दूसरी बात कि आमिर खान ने जो उसके अंदर नुक्ता उठाया ना कि यार बहुत से लोगों को मौका नहीं मिलता स्पोर्ट्स के, तो ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे गाँव के लड़के होते हैं और छोटे शहरों के लड़के होते हैं, उन लोगों को इतने मौके नहीं मिल पाते, इतनी स्क्रीनिंग नहीं मिल पाती कि वो दुनिया के आगे आ पाएँ, वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर पाएँ, वो गोल्ड लेकर आएँ, वो मेडल्स लेकर आएँ। और इस तरह की बहुत सारी रियल मिसालें मौजूद हैं। मैं ख़ुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो मुझे पता है किस तरह का फ़ील होता है। मेरे साथ के बैच मेट्स थे जो मेरे साथ हॉकी खेलते थे, और जब हमारे एक टाइम आया, हमारे 18-19 साल की एज हो गई, तो हमने डिपार्टमेंट्स, जिन लड़कों को डिपार्टमेंट मिल गए उनमें मैं था, जिनमें मुझे डिपार्टमेंट मिल गया था, ठीक है, मैं डिपार्टमेंट्स अपने खेलता रहा। पर जिन बेचारों को नहीं मिले थे ना, उन बेचारों को हॉकी छोड़नी पड़ी। यकीन सी बात है, रोज़े माश भी ज़रूरी है भाई, आपको पैसे तो चाहिए ना ज़िंदगी कमाने, ज़िंदगी के लिए आपको पैसे कमाने हैं। माँ बाप फिर इस चीज़ की डिमांड करना शुरू हो जाते हैं कि भाई आप पैसे नहीं कमाते, आपकी एज वाले लड़के देखो जॉब कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट है, और आप इस तरह फ्यूचर ख़राब कर रहे हो। तो ये एक बड़ा गवर्नमेंट के उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, डिपार्टमेंट्स हों और एक सिस्टम बना हुआ हो। तो ये सिस्टम हर जगह पर इस तरह से वर्क नहीं कर पाता, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में स्पेशली नहीं कर पाता। मुझे इस मूवी की डेडिकेशन और मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी लगी थी। आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरीके से मैं एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।